क्या आप एप्पल का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो भी शानदार कंप्यूटर जैसे कि मैक मिनी? जी हाँ दोस्तों, इसके जो प्राइसेस हैं 50 से 60 हजार में लगभग देखने को मिल जाता है। मान लिया जाए कि 60 हजार ही है इसका प्राइस, तो क्या दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 60 हजार में मैं लेकर के इसको 60 हजार में बहुत अच्छा कंप्यूटर बना लूंगा? दोस्तों कैसे देखते देखते आपको ये लाखों का खर्चा करवा देगा, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आफ्टर 6 मंथ का जो रिव्यू वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए कि इसमें जो कुछ मैं बातें बता रहा हूँ उस वीडियो से भी रिलेटेड है। सबसे पहले इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इसका बेस वेरिएंट जो है 8GB और 256GB का, ये आपको 60 हजार में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मान लिया जाए 15 हजार का मॉनिटर लेते हैं, इसके साथ ही साथ आप कीबोर्ड वगैरह 2500 का लगा लीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप SSD जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना SSD का आपका काम नहीं चलने वाला है। 8000 उसका रख लीजिएगा 1TB का, क्योंकि इसमें 256GB ही है, आपका काम होगा ही नहीं, आपको एक्सटर्नल SSD लगाना ही पड़ेगा। और अगर आप एक सस्ता से सस्ता भी USB हब लेना चाहते हैं जो कि इसमें सपोर्ट हो, हीट नहीं हो, तो एटलीस्ट 2000 रुपया आपको देने ही पड़े। इतना खर्चा करने के बाद जानते हैं आपका बजट कितना हो जाएगा? 87,500 रुपया के करीब, या 85,000 रुपया आपको हो जाएगा। इतने में आप मैकबुक एयर M1 भी ले पाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ अलग ही मजा है, क्योंकि इसका जो फैन है जिसकी वजह से ये बिल्कुल कूल रहता है। दोस्तों जो इसका वेस वेरिएंट है, अगर आप प्रो रेज हाई वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसका रैम और इसका स्टोरेज बिल्कुल जल्दी फुल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों कम से कम 16GB और 256 की तरफ देखना पड़ेगा। अगर आप 16GB और 256 वाला वेरिएंट लेते हैं तो 20,000 और आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको 80,000 होगा, 80,000 हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप मॉनिटर लीजिएगा, कम से कम 15,000 का रखिए, ठीक है। उसके साथ SSD 8,000 का, USB हब 2,000 का, उसके साथ कीबोर्ड वगैरह 2500 का, 2,000 का आप लीजिएगा। तो दोस्तों जानते हैं आपका कितना हो जाएगा बजट, 1,07,500 या 1,05,000 के करीब हो जाएगा। उतने में आपको पता है मैकबुक एयर M2 मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से इसको सेटअप किया गया है एप्पल की तरफ से, बहुत ही दिमाग लगा करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बेस वेरियंट लेते हैं 8GB और 256GB वाला, तो आपको मैकबुक एयर M1 तक प्राइस पड़ने वाला है। और अगर आप इसका एक और 16GB वाले लेते हैं तो जो M2 का जो बेस है 8GB और 256GB वेरिएंट, उतना तक इसका प्राइस पहुंचने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि 16GB और 512GB वाला वेरिएंट ले लूं, तो जानते हैं आपकी प्राइसिंग कितनी हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 का पड़ेगा तो सिर्फ आपको मैक मिनी, और उसके साथ ही साथ इसके जो एक्सेसरीज है जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, मॉनिटर, USB हब, SSD वगैरह, ये मिला करके आपको 1,27,000 या 25,000 होगा। तो इतने में जानते हैं आपको क्या मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इतने में आपको M2 Pro चिप वाला मिल जाएगा वेरिएंट। तो देखिए देखते देखते कैसे लाखों तक पहुंच गया इसका प्राइसेस। जी हाँ दोस्तों, एप्पल जो ये ताना वाना भून करके रखा है ना, बिल्कुल बहुत सोची समझी चीजें है। तो आप सोच लीजिए कि जब 1,27,000 रुपया लगाना आप चाह रहे हैं और लगाने वाले हैं, तो आपके मन में ये बात आ जाएगी क्यों नहीं हम M2 Pro चिप वाला ही ले लें, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है कमाल का देखने को मिल जाएगा और सारे कुछ इससे बेटर मिलेंगे। तो आप देखते देखते 1,30,000 रुपया खर्च करने वाले हैं, क्योंकि 1,30,000 से वो शुरू ही होता है 16GB 512GB M2 Pro वाले चिप के। तो सोच लीजिए कि ये कैसे लाखों में बदल गया M2 का खर्चा। तो सोच समझ करके आप परचेज कीजिए दोस्तों। इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियोस, जरूर से जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपके रास्ता देख रहे हैं। प्लेलिस्ट जाइए, मैक मिनी का चेक कीजिए, कमाल कमाल के वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। आप चेकआउट कीजिए, कुछ वीडियोस तो आपको आई बटन में ही मिल जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह के कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।